अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभाष ने और आज हम बात करेंगे इडियम फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी के बारे में। टॉपिक आपके इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू CDS, NDA, FCAT, INET एंड टाइटल आर्मी। ये हमारा लेक्चर 20 है। अगर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं इडियम एंड फ्रेजेस में। पहला इडियम है हमारा होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मतलब होता है साउंड। मतलब देखिए, मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बहुत सुना होगा, इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स गुड मतलब होता है कुछ, सब कुछ ठीक रहना, सब कुछ ठीक है। तो होल्ड वाटर मतलब होता है सब कुछ ठीक होना। अगला है हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर मतलब होता है सपोर्ट वन अनदर। मतलब फॉर एग्जांपल, मोदी जी ने कहा था डिमोनेटाइजेशन मैं कर रहा हूं, तो अब सभी पॉलिटिकल लीडर बीजेपी की क्या कर रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ मोदी जी ने एकदम सही किया है, करप्शन के खिलाफ है ये वो। तो ये क्या होता है, हैंग टुगेदर। अगला है होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप मतलब होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट मैच हारने वाले हो बहुत बुरी तरह इंडिया का कोई, और आपको अब भी होप है नहीं भाई धोनी आएगा कुछ जादू करेगा और वो फिनिशर है वो जिताएगा ही जिताएगा, तो इसे हम कहते हैं होप अगेंस्ट होप। अगला है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है वो सेल्फिश इंटरेस्ट होना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आपका दुश्मन है, एकदम से आपसे बहुत प्यार से बात करने लगे, तो वो अगर आपसे प्यार से बात कर रहा है तो वो अपने मतलब के लिए कर रहा है, तो हो गया हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए बात करना। अगला हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। हैव अ गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब आर्ट ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, हिटलर, ये सब लोग कैसे इंसान है जिनपे बोलने की कला आती है उन्हें, उसे हम कहते हैं हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। अगला है हिट बिलो द बेल्ट मतलब अनफेयरली किसी को हिट करना, उसे हम कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट। अगला है होल्ड्स वन टंग। होल्ड्स वन टंग मतलब होता है चुपचाप रहना, ज्यादा बोलना नहीं। अगला है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट। कोई भी चीज बहुत डिफिकल्ट हो उसके लिए हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन हरक्यूलियन टास्क टू रूट आउट द करप्शन इन इंडिया। बहुत ही मुश्किल काम है कि करप्शन को रूट आउट मतलब जड़ से उखाड़ डालें इंडिया से। अगला है हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स मतलब होता है टू टेक टू टास्क, मतलब अगर इसका मतलब आम शब्द में कहें तो किसी को डांटना कोई गलत काम के लिए, उसको हम कहेंगे हॉल ओवर द कोल। शी वॉज हॉल ओवर द कोल बाय हर पेरेंट्स फॉर हर मिसकंडक्ट। हैव वन फिंगर इन एवरीवन्स पाई, इसका मतलब होता है कि या तो किसी चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज होना या बहुत सारे काम में आपका हाथ होना, इसे हम कहेंगे हैव वन फिंगर इन एवरीवन्स पाई। अगला है हेल्कन डेज। हेल्कन डेज मतलब होता है पीसफुल डेज। नेक्स्ट हैव एन आयरन विल। हैव एन आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल होना। अगला है होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच मतलब होता है कि पीस ऑफर करना। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर में पीस ऑफर करी गई है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, बट वहां पर लोग लेने को तैयार नहीं हो रहे, तो इसे हम कहेंगे होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। अगला है हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी सुनने में ऐसे ही लग रहा होगा थोड़ा सीरियसनेस नहीं है, थोड़ा फनी टाइप का है, तो इसका मतलब यही होता है कि नॉट वेरी सीरियस। हम कह सकते हैं यू हैव अ वेरी हैंकी पैंकी एटीट्यूड टूवर्ड्स योर स्टडीज, तो वहां हो गया नॉट वेरी सीरियस। अगला हैव अ फीट ऑफ अ क्ले। हैव अ फीट ऑफ क्ले मतलब फुल ऑफ फॉल्ट्स, बहुत कमियां होना, तो इसका मतलब होगा हैव अ फीट ऑफ अ क्ले। अब आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी में हमारा अगला वर्ड है हमड्रम। हमड्रम मतलब होता है डल, मोनोटोनस, मतलब कोई चीज एक ही तरह से हो रही हो बार 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 बार, उसे हम कहेंगे हमड्रम। अगला है हडल। हडल सॉरी मैं गलत बोल गया, अगला वर्ड है हडल। हडल मतलब होता है क्राउड टुगेदर। देखिए मतलब एक जगह एकदम से कोई भीड़ आ जाए, उसे हम कहेंगे हडल। अगला वर्ड है हैगल। हैगल मतलब होता है बार्गेन अबाउट प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बार्गेन अबाउट द प्राइसेस तो आपको पता ही होगा, आपकी मम्मी जाती होंगी सब्जी मंडी तो आप वो बार्गेन करती होंगी, तो उसे हम कहते हैं हैगल। अगला है हैपलेस। हैपलेस मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, बहुत कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए बहुत बुरी तरह से, तो उसे कहते हैं हम हैपलेस। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है बेंगलुरु में और वहीं पर अभी सरकार में गड़बड़ होनी शुरू हो गई और सरकार गिरनी शुरू हो गई, तो क्या हो गई, हैपलेस सिचुएशन हो गई। अगला है हैम्पर। हैम्पर मतलब होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज हैम्पर्ड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन इंडिया। जो देश की पॉपुलेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो रही है। अगला है हेजिमोनी। हेजिमोनी मतलब होता है कि किसी चीज पे डोमिनेंस लाना, तो यहां पर अमेरिका और चाइना दोनों ही डोमिनेंस के लिए भाग रहे हैं एशिया के अंदर। आगे चलते हैं। अगला है हस्टिंग। हस्टिंग मतलब होता है इलेक्शंस, जैसे 1977 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हार गई थी, तो इसे कहेंगे हम हस्टिंग। अगला है हेरेटिक। हेरेटिक मतलब होता है होल्डिंग अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हेरेटिक का जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह क्या थे, वो एथिस्ट थे। वो क्या कहते थे, कास्टिज्म, सती प्रथा या वुमेन को दबाना बिल्कुल गलत है। तो पहले तो ये हिंदुइज्म में माना जाता था ना, बट वो अनऑर्थोडॉक्स वे में आगे बढ़ते थे और लोगों को रैशनल वे में समझाते थे, तो उनके उस नेचर को हम कहेंगे हेरेटिक।
अगला है हुडविंक। हुडविंक मतलब होता है डिसाइव, मतलब किसी को ट्रिक करना, किसी को धोखा देना, छल करना, उसे हम कहते हैं हुडविंक। अगला है हस्बैंड। हस्बैंड मतलब होता है यूटिलाइज करना। देखिए एक तो हस्बैंड आपने बीवी का हस्बैंड सुना है, वाइफ का पति, बट इस हस्बैंड स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इसका दूसरा मीनिंग यह है कि इकोनॉमिकली चीज को यूज करना, यूटिलाइज करने को हम कहते हैं हस्बैंड। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया हैज प्लेथोरा ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच शी मस्ट हस्बैंड फॉर हर प्रोग्रेस। हिंदुस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडारा है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए प्रोग्रेस के लिए। इंडिया के लिए यहाँ पर शी यूज हुआ है। अगर यहाँ पर होता है वीडियो का एंड, ये सारे वर्ड्स लिए गए थे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। ये बेस्ट सेलिंग किताब है इंग्लिश के लिए, ये आपकी सभी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए काम आएगी। प्लस ये इसमें खास बात यह है इस किताब में कि इसने जितने भी पास्ट ईयर पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग इस किताब को बनाया है, तो इसलिए थोड़ा एक ज्यादा एक एज देती है। अभी तो जब मैंने इस बुक को यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाया है, तो यहाँ पर कस्टमर रिव्यू है 1860। आज की तारीख में इसके जो रिव्यू है वो करीबन 2000 से ज्यादा है और रेटिंग 4 कॉन्स्टेंट अभी भी मेंटेन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही क्या करना है, ये तीनों चीजें कर दीजिएगा। बहुत अच्छी लग गई हो तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे कोई मैसेज हो #washing कमेंट बॉक्स में आप बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।